तो हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं हम आज आपका एक और नई वीडियो में वापस है। तो जैसा कि पहले हम इलेक्ट्रिक स्कूटी की वीडियो बनाते ही रहते हैं जो आप देखते हैं और काफ़ी प्यार देते हैं अपना, वैसे ही आज हम एक और नई इलेक्ट्रिक स्कूटी की वीडियो लेकर आ चुके हैं जो हमको मिलती है TNR कंपनी की तरफ से, जिसके मॉडल का नाम है जेटर। तो आज हम करेंगे इसका रिव्यू, आप देखते रहें इस रिव्यू को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिव्यू को। तो शुरू करेंगे इसके लुक्स और इसके एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज जो सबसे पहला हमको इसमें मिलता है, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें जो टायर साइज़ है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी वाला नहीं दिया गया है, पेट्रोल स्कूटी वाला टायर साइज़ दिया गया है जो होता है 90-90-12 का। तो 12 इंच के हमको इसमें टायर मिलते हैं जो इसको काफ़ी अच्छी एक ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में ये दिखने में काफ़ी हैवी है, इसमें क्वालिटी भी काफ़ी हैवी दी गई है कंपनी की तरफ से, जिसकी वजह से आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को लो एज अ लोडिंग के तौर पे, जैसे आपका कुरियर वगैरह का काम है तो लोडिंग के तौर पे, या एज अ ज़्यादा सामान वगैरह आपको इधर उधर लेकर जाना पड़ता है, जैसे आपको घर के लिए सिलेंडर वगैरह, मतलब मेनली आप इसको लोड उठाने के तौर से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में लुक्स इसमें काफ़ी स्टाइलिश दी गई हैं जो यूथ को काफ़ी पसंद आती हैं। फ्रंट में अगर आप देखें तो इसमें LED लाइट मिल जाती हैं, साथ में LED लाइट के अंदर ही आपको एक DRL भी मिल जाते हैं दोनों साइड, जो इसके लुक को काफ़ी एनहेंस करते हैं। जो लाइट है वो आपको बॉडी में मिलती है जिसकी रोशनी काफ़ी अच्छी है और LED होने के कारण बैटरी कंजप्शन को देखते हुए भी काफ़ी ठीक है। तो अगर आप इंडिकेटर देखें तो इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको हैंडल पे मिल जाएगी जो इसकी लुक में 4 चांद लगा देते हैं। साथ में पीछे आपको एक काफ़ी अच्छे साइज़ की टेल लैंप मिल जाती है और साथ में काफ़ी बड़े साइज़ के इंडिकेटर भी मिल जाते हैं जो इसकी लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं। और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटी आपने देखी होंगी जिनमें जो कैरियर के तौर पे एज अ सामान रखने का वो लगा देते हैं, तो इसमें वैसे वाला कुछ नहीं किया गया है। इसमें आपको एक स्टाइलिश बैक सपोर्ट मिल जाती है जो इसकी लुक को काफ़ी अच्छा कर देती है और इसी वजह से ये यूथ को भी काफ़ी पसंद आती है। तो लुक्स पे अभी हम बात कर ही रहे थे तो बता देते हैं इसमें जो ग्राफिकल स्ट्रिकिंग दी गई है इसमें वो काफ़ी अच्छी दी गई है, सोच समझ के दी है कंपनी ने, जो इसमें जेटर नाम वगैरह काफ़ी अच्छा लिख रखा है जो इसके लुक को काफ़ी अच्छा बना देता है। अगर हम बात करें इसके मीटर कंसोल की तो इसमें एक ब्लैक कलर का कलर्ड मीटर कंसोल आपको इसमें मिल जाता है जो इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे देता है, किलोमीटर कितने चली है, कितनी बैटरी बाकी है, कितनी स्पीड चल रही है से रिगार्डिंग। और उसी के मीटर कंसोल के अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो आपको एक इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है, साथ में एक हॉर्न स्विच मिल जाता है और एक लाइट का अपर डिपर मिल जाता है। अगर उसी के अपोजिट साइड अगर आप राइट साइड देखें तो आपको एक हॉर्न का स्विच और एक हेडलैम्प ऑन ऑफ करने का स्विच और DRL ऑन ऑफ करने का स्विच मिल जाता है। उसी के थोड़ा और साइड में अगर आप देखें तो आपको थ्रोटल में 3-स्पीड मोड का फंक्शन भी मिल जाएगा। फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर और अलॉय रिम्स मिल जाते हैं, साथ में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और जैसे आपको पता होगा कि बैक व्हील में मोटर होती है तो अलॉय रिम्स वगैरह कुछ है नहीं। स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन आपको दोनों साइड पीछे देखने को मिल जाएंगे। स्पेस अगर आप देखें तो आपको फुट बोर्ड पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, आपका एक सिलेंडर आराम से आ सकता है और कुरियर वगैरह का अगर आप करते हैं तो एक बड़ा सा बॉक्स आराम से आ सकता है। साथ ही में आपका पर्स वगैरह, फ़ोन वगैरह रखने के लिए आगे स्पेस, पॉकेट स्पेस दी गई हैं। साथ ही में पॉकेट स्पेस के अंदर आपको फ़ोन चार्जिंग जैसा फंक्शन भी मिल जाता है। साथ ही में अगर आप देखें अंडर सीट स्पेस के बारे में तो अंडर सीट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, आपका एक हेलमेट आराम से आ सकता है। सेफ्टी फीचर में अगर हम बात करें तो कंपनी की तरफ से आपको सेंटर लॉक प्रोवाइड किया जाता है जो इसको चोरी होने से बचाता है। और सेफ्टी में हम देखें तो इसमें जो अंडर सीट स्पेस के अंदर आपको एक फ्यूज़ मिल जाएगा, अगर आप उस फ्यूज़ को डाल देते हैं, जैसे आपको बच्चों को स्कूटी देनी है ये वाली, अगर आप वो फ्यूज़ डाल देते हैं तो ये 25 की स्पीड पे रुक जाएगी, जो इसमें 3-स्पीड मोड वगैरह कुछ भी दे रखा है वो काम नहीं करेगा, 25 से इसकी स्पीड बढ़े नहीं जब आप फ्यूज़ को डाल देते हैं। पर जब आप उस फ्यूज़ को निकाल देते हैं तो इसकी स्पीड 50-55 तक आराम से चली जाती है,
जो काफ़ी अच्छी स्पीड है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखते हुए, और साथ ही में ये आपका करीबन 3 से 4 क्विंटल मतलब 300 से 400 किलो तक का वेट आराम से ले लेगी। साथ ही में इसमें आपको 6 बैटरी दी गई है, 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है, तो 72 वोल्ट का पैक ये बना के देती है। तो अगर आप उसमें देखें तो आपको 50 टू 55 की स्पीड में साथ में एक 2500 की वोट की मोटर से मिलता हुआ एक काफ़ी अच्छा पीक का पिकअप, तो इसमें आपको 70 से 80 किलोमीटर आराम से दे देता है। तो अगर आप इसको चलाते हैं तो आपको ये कभी फील नहीं आएगा कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रहे हैं, आपको यही फील आएगा कि आप पेट्रोल वाली स्कूटी चला रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसी ही और इलेक्ट्रिक स्कूटी की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।